News 18, India. बंगाल में संदेश खाली पर सदन से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। इस मुद्दे पर बंगाल सरकार और बीजेपी में ठन गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। संदेश खाली में आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों ने न केवल उनकी जमीनों पर कब्जा किया बल्कि कई महिलाओं का यौन शोषण भी किया। और इसी बात पर ममता सरकार पर भड़के बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार एक रोज पहले संदेश खाली जाने की कोशिश में घायल तक हो गए थे। और इसके अगले दिन भी बंगाल में संदेश खाली पर बवाल हुआ। वर्धमान में तो सड़क पर संग्राम ही छिड़ गया, टायर भी जलाए गए। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता दौड़ते हुए आगे बढ़े और उनका सामना पुलिस से हो गया। इसके बाद न पुलिस वाले पीछे हटे और न बीजेपी कार्यकर्ता। वर्धमान में बीजेपी के लोग एसपी दफ्तर का घेराव करने सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोका और हंगामा शुरू हो गया। धक्का मुक्की के बीच एक महिला जमीन पर बैठ गई। बहुत देर तक हंगामा होने के बाद बाकी प्रदर्शनकारी भी सड़क पर धरना देने बैठ गए और नारेबाजी की। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और एसपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे लोगों पर पानी की बौछार कर दी। पानी की मोटी धार में भीग कर लोग थोड़े बिखरे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर इकट्ठा हुए। पानी में भीगते ये लोग नारे लगाते रहे और सड़क पर डटे रहे। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बीच कई प्रदर्शनकारी सड़क पर भी बैठे दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भिगोने से पहले पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। उन्हें पूरी ताकत से रोका गया। लगातार लाउडस्पीकर से उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल के कई शहर इसी तरह सुलगे, क्योंकि उसके नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। संदेश खाली का नाम पिछले महीने तब चर्चा में आया था जब वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हो गया था। इसके बाद से शाहजहां शेख की तलाश चल रही है। आदिवासी समुदाय के शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद तो मामले ने और तूल पकड़ लिया और बंगाल के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सिलीगुड़ी में भी एसपी दफ्तर के घेराव की कोशिश हुई। वहां बैरिकेड के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े हो गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देते हुए पीछे हटाया। कुछ लोगों को खींचकर हटाया गया। इस चक्कर में झड़प भी हो गई। कुछ लोग तो पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पूरा दम लगाया। एक बार तो लगा कि वो पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। एक कार्यकर्ता तो पुलिस वालों के बीच घुस भी गया, लेकिन ऐसा करते ही वो पुलिस के हाथ लग गया। कई पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और फिर जबरदस्ती उसे पीछे धक्का दे दिया। सिलीगुड़ी में यह हंगामा बहुत देर तक चला। कई बार बात पुलिस के हाथ से निकलती भी दिखी। इसके बाद पुलिस वालों ने पूरी ताकत से इन लोगों को पीछे हटाया। संदेश खाली पर सड़क के अलावा सदन में भी संग्राम हुआ, क्योंकि बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, जिसका असर यह हुआ कि शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली रवाना हो गए, लेकिन उन्हें वहां एंट्री करने से रोक दिया गया और शुभेंदु अधिकारी बस से उतरकर जमीन पर धरने पर बैठ गए। आपको दिखाएंगे ठीक यहां बस के बाहर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बैठ गए हैं सड़क पर। यही नहीं, उन्होंने पुलिस के एक अधिकारी पर उन्हें पैर से मारने का आरोप भी लगाया। संदेश खाली में धारा 144 लगाई गई है, इसलिए नियमों का ध्यान रखते हुए शुभेंदु और बीजेपी के 3 विधायक ही वहां जाने के लिए निकले, लेकिन संदेश खाली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद शुभेंदु ने कुछ घंटों तक वहीं धरना दिया। उन्होंने इस मामले पर अदालत जाने का भी ऐलान किया और अपना धरना खत्म कर दिया, लेकिन संदेश खाली पर सियासी बयानबाजी जारी रही। इस मामले में बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए और ममता बनर्जी ने विधानसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। सारा देश जलचे, बीजेपी हंसचे। ममता का ये बयान आते ही बीजेपी का भी जवाब आ गया। शेम ऑन यू ममता जी, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा होता। इस जुबानी जंग से पहले बीजेपी विधायक काले झंडे दिखाते हुए विधानसभा परिसर में दाखिल हुए। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में इन विधायकों ने सदन के बाहर धरना भी दिया।